इंदौर के परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए थे या जो जिसने प्रतिबंध लगा था वो यहाँ पर भी एक वैलिड हैं। अभी इसमें अलग अलग राउंड्स की बैठकें भी हुई, आज भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की पूरी बैठक फॉर्मल हुई थी, इसके पहले अलग अलग जनप्रतिनिधियों से आपस में चर्चाएँ भी हुई थी और मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चालू की गई हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उस ऑर्डर में, करीबन 30-40 प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं अलग जो इसमें परमिट की गई हैं। मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी उनके अन्य जो दुकानें हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को चलाए रखने में ज़रूरी होती हैं, जैसे टाइल्स की हो गई, हार्डवेयर हो गई, सैनिटरी की हो गई, पेंट की हो गई, इलेक्ट्रिकल की हो गई, इनको भी वीक में 3 दिन अलाउ किया है और मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे टाइम दिया हुआ है, उसमें सुबह 8 से 5 है और अन्य दिनों में भी इनके गोडाउन्स जो दुकान से भिन्न गोडाउन्स हैं उसे सप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार मैकेनिक्स को भी छूट दी गई, क्योंकि सभी भारी वाहन या छोटे वाहनों में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस जरूरत पड़ती है, तो मैकेनिक्स हो गए, सर्विस सेंटर्स हो गए, व्हीकल्स, उनको सबको भी एक अलाउ किया गया है। किराना 12 बजे तक अलाउ रहेगी खिर्ची की, सप्ताह में 5 दिन। थोक दुकानों को 3 दिन किया गया है और थोक दुकानों से अपेक्षा ही रखा है किराना ग्रोसरी की, जो सियागंज, मलहारगंज, छावनी और मालवा मिल में है, कि फ़ोन पर ऑर्डर लेके सप्लाई करें, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से भीड़ होती है थोक में और जिस प्रकार से हर दुकानदार, हर व्यक्ति यहाँ चाहे शहर का हो चाहे बाहर का हो, वो स्वयं आना चाहता है लेने के लिए, कोई स्कूटर में रख के ले जा रहा है, कोई लोडिंग ऑटो में रख के ले जा रहा है, तो वो प्रतिबंधित किया गया है थोक में कि वो ऑर्डर लेंगे और अपने लोडिंग वाहनों से सप्लाई करेंगे वहीं पर। इसी प्रकार से सब्जियों का भी है, जो 7 चिन्हित स्थल हैं उसमें वो प्रातः 8 से 5 बजे तक चलायमान ठेला के माध्यम से रहेंगे, उसमें भी दुकानें जो स्टैटिक रहती हैं उनको अलाउ नहीं किया गया। हर प्रकार की हाट बाज़ार, चाहे वो सब्जी फल से संबंधित हो चाहे अन्य से संबंधित हो, सब पूरे ज़िले में प्रतिबंधित किया गया है। ज़िले में शहर में सख्ती भी कुछ दिनों से की जा रही है, अभी भी हम लोगों की कंबाइंड मीटिंग है पुलिस, नगर निगम, मजिस्ट्रेट की, पूरे ज़िले में सख्ती की जाएगी, कहीं भी हाट बाज़ार किसी प्रकार की अलाउ नहीं की जाएगी। तो ये सब मुख्य बिंदु हैं इसमें। शादी अभी रोकी हुई है हम लोगों ने, अभी शादी नहीं हो, धर्मस्थल बंद रहेंगे और इस ऑर्डर का रिव्यू 7 दिन बाद फिर से करेंगे, किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं, उसमें क्या गतिविधियाँ और आगे खोली जानी है, 7 दिन बाद रिव्यू होगा, या फिर जो अभी गतिविधियाँ हम लोगों ने खोली हैं उसमें कहीं वॉयलेशन होता है और जिस लगता है कि उसके वॉयलेशन से दिक्कतें होंगी संक्रमण, तो गतिविधियों को बंद भी कर सकेंगे हम लोग। वैक्सीनेशन के लिए उसमें जोर दिया गया है, जो हमारे टारगेट ग्रुप से वैक्सीनेशन होगा, जितने भी हमारे जो खोल रहे हैं उनका रेगुलर सैम्पलिंग टेस्टिंग होती रहेगी, इस पर भी हम लोगों ने फोकस किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में थानेवार चिन्हित कर लिए गए हैं, जहाँ प्रेशर रहता है वहाँ पर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीमें रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगी और दुकानों में कोई वॉयलेशन होता है तो बड़ा क्लियर कट है, ये गवर्नमेंट दिशा निर्देशों में भी और जो यहाँ जिला लेवल से जारी हुए हैं, कहीं वॉयलेशन होगा तो सील की जाएंगी दुकानें। इस बार किसी प्रकार से भी जो वॉयलेशंस होंगे उसको बहुत सख्ती से डील किया जाएगा। पिछले साल देखने में ये आया था कि बोलते सभी थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क लगाएंगे, पर उल्लंघन बहुत जम के होता था। इस बार उल्लंघन होगा कहीं भी, अगर छः से अधिक लोग मिल गए किसी दुकान में या दुकानदार में किसी ने मास्क ठीक से नहीं पहना है, ग्राहक मास्क ठीक से नहीं पहना है, तो इसी बात पर सील कर दी जाएगी दुकान, ये सख्ती भी रखी जाएगी। तो ये सब है ऑर्डर में, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं।